उसमें इसमें आज हम लोग जो पढ़ेंगे यह प्रोडक्ट फॉर्मूला या इसको एबी फॉर्मूला बोलते हैं। एबी इसलिए कि ए और बी का इस्तेमाल इसमें हुआ रहेगा। अच्छा, प्रोडक्ट फॉर्मूला इसलिए एलएचएस में बात प्रोडक्ट में रहेगा। प्रोडक्ट फॉर्मूला किसके आधार पे है? बेस्ड ऑन एलएचएस, एलएचएस पे आधारित प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला कल बताए थे कि साइन ए प्लस बी कितना होता है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, जान रहे हो ना फॉर्मूला? अच्छा, इसको हम इधर लिख ले, इसको उधर लिख ले तो कोई आपत्ति नहीं। प्रोडक्ट में है इधर, प्रोडक्ट में है, तो आरएचएस में जो है उसको हम कहां लिख लेंगे? एलएचएस में, जो एलएचएस में है उसको आरएचएस में लिख लेंगे। तो आइए उसके लिए इसको तो यहां से सिलेक्ट करना होगा, इधर ले आना होगा बुला के, इसको इधर ले जाना होगा और इसको फिर यहां लाना होगा। कहां गया? नहीं भागेगा, इसको आना होगा। बस बोलिए, कोई दिक्कत हो तो बताओ। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी कितना होगा? ठीक, कल एक और फॉर्मूला बताए थे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस बी। अब हम घटा लेते हैं या जोड़ लेते हैं, दोनों काम करेंगे, एक बार जोड़ेंगे और एक बार। कॉस ए साइन बी प्लस में कॉस ए साइन बी माइनस में कटेगा। अब साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी को जोड़ेंगे दू को साइन ए कॉस बी, और इधर हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये एक फॉर्मूला हो गया, और ये फॉर्मूला का नाम है, ये फॉर्मूला का नाम है प्रोडक्ट फॉर्मूला। क्या है फॉर्मूला, एक बार पढ़ो। टू साइन ए कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। क्लियर हो गया सबको? क्या किया है इसमें, कल जो दो फॉर्मूला प्रूफ किए थे ना, उसी को उल्टा लिख के जोड़ दिए हैं, कट गया। प्रोडक्ट फॉर्मूला है, लिखे है ना प्रोडक्ट फॉर्मूला, किसके आधार पर प्रोडक्ट है? एलएचएस, एलएचएस में प्रोडक्ट में है, गुणा में है, आरएचएस में यही चीज कौन सी में है? जोड़ में, जोड़ या घटाओ में, जो जिसमें आ। इसका एक और नाम क्या है? एबी फॉर्मूला, टू साइन ए कॉस बी होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब जैसे इस पर आधारित क्वेश्चन कैसे रहेगा का, जैसे क्वेश्चन हम लिख देते हैं, एक यहां एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्सप्रेस एक्सप्रेस टू साइन सिक्स एक्स इंटू कॉस फोर एक्स एज सम और डिफरेंस, सम और डिफरेंस, योग या अंतर में इसको लिखें, योग या अंतर में इसको लिखें। क्वेश्चन समझ गए? योग या अंतर में लिखना है,
क्या दिया हुआ है बालक? टू साइन सिक्स एक्स इंटू कॉस फोर एक्स, कौन फॉर्मूला इसमें लगेगा? टू साइन ए इंटू कॉस बी वाला, कितना होता है? यही ना भी बताएं, यही बताएं, अभी यही बताए, टू साइन ए कॉस बी। अब सुनिए कितना हो जाएगा, साइन ए प्लस बी सिक्स एक्स प्लस प्लस साइन साइन छ चार दस एक्स और साइन टू एक्स, यही क्या होगा? तो बताओ, तक कह रहा था कि एक्सप्रेस यानी व्यक्त करे गुणा को जो गया अंतर में, तो गुणा को, गुणा में सवाल था, आंसर जोग में आया कि नहीं? समझ रहे ना बात को? अगर दिक्कत है इसमें आगे समझ रहे, ठीक है बात हो गया। तो एक वही फॉर्मूला निकला, कौन चीज जोड़ने वाला, वो तो ठीक है मैंने जोड़े हैं तभी मिला है, एक बार इस दोनों को घटा देंगे तो फिर कुछ मिलेगा, ऐसा चार का फॉर्मूला नहीं। दूसरा नंबर फॉर्मूला देखिए, दूसरा नंबर फॉर्मूला साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है कितना? साइन ए प्लस और फिर साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी साइन ए माइनस बी। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, कटने वाला कटेगा, कॉस ए साइन बी कॉस ए साइन बी मिलकर दू गो कॉस ए और इधर बोलो, इस दोनों फॉर्मूला को देखो ध्यान से, साइन कॉस पहले साइन है बाद में कॉस है, तो साइन ए प्लस बी में साइन ए माइनस बी को जोड़ेंगे तो ही मिलेगा, जोड़ने से ही मिला है, देखो ना साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी को जोड़ने से ही मिला है, पहले साइन बाद में कॉस हो तो जोड़ेंगे, पहले कॉस बाद में साइन हो तो घटाएंगे, घटाने पे ही मिलता है, पहले कॉस बाद में साइन तो फॉर्मूला में कौन सी होगा? माइनस, अब पहले साइन प्लस में होगा, जोड़ में होगा, ठीक। आइए तीसरा नंबर में आते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कितना होता है? प्लस होता है, माइनस वाला में प्लस, और फिर कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस, इसको क्या करना है? जोड़ना है। एक फॉर्मूला यहां बना, टू कॉस ए कॉस बी बोलिए, कहीं दिक्कत हो रहा है? आनंद आ रहा होगा, लेकिन फॉर्मूला याद भी रखना है आपको, समझे आनंद? हो गया, अब सुनिए ये फॉर्मूला हो गया टू कॉस ए कॉस बी का, कितना
कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तीसरा नंबर है ये, चौथा नंबर कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी, फिर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी कॉस ए प्लस बी, अब इसमें क्या हो जाएगा बोलिए। जाना उसको साइलेंट में कर दिए ना, फिर हाँ इसमें cos a cos b प्लस साइन ए साइन बी, cos a माइनस बी होता है और cos a cos b माइनस साइन ए साइन बी। यहां हम क्या करेंगे, चला घटाएंगे माइनस प्लस। अब सुनो ये कटेगा, क्या बनेगा बता, कितना होगा चला, ये फॉर्मूला हो गया, ढकर दिया सर, बुझाया कि नहीं, इतनी टेढ़ी आ गया सीधा कर दो। चलिए हो गया, तो यहां कै गो फॉर्मूला मिला, चार गो, एक जगह लिख देते हैं सबको। पहले का पद फॉर्मूला क्या था खोकी बताओ, टू साइन ए कॉस बी कितना, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी टू कॉस ए इंटू साइन बी कितना होता है, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी टू कॉस ए इंटू कॉस बी कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, एक और टू साइन ए साइन बी कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। इसमें चार फॉर्मूला मिला विद्यार्थी, एक टू साइन ए कॉस बी, साइन ए प्लस बी प्लस साइन टू कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन टू कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी टू साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। बोले इसमें कोई दिक्कत, अब इससे आगे कुछ सवाल भी हम कराएंगे, पहले लिख लीजिए। तो यहां पर क्या देखिए आप, टू साइन ए कॉस बी, इसका क्या नाम है, कौन फॉर्मूला नाम है इसका, प्रोडक्ट फॉर्मूला या एबी फॉर्मूला है। अब जो सिखाएंगे ना उस सम या डिफरेंस फॉर्मूला या सीडी फॉर्मूला उसको कहते हैं। अगला एक है सम या डिफरेंस फॉर्मूला, या एक और नाम है इसका सीडी फॉर्मूला, ये भी फॉर्मूला था, ये साइन सी प्लस साइन डी इस टाइप का इसमें मिलेगा। जो इसमें है ना यही चीज लिख रहे हैं। अच्छा यहां सम या डिफरेंस जो लिखे हैं किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ एलएचएस,
LHS में सम या डिफरेंस रहेगा ऑन द बेसिस ऑफ LHS। इसमें प्रोडक्ट फॉर्मूला था, यही LHS के बेस पर ही नाम प्रोडक्ट रखे थे। सब में कौन सी में है? गुना में LHS। इसमें क्या लिखना है? सम या डिफरेंस फॉर्मूला या सीडी फॉर्मूला इसको बोलते हैं। बता रहे हैं, अब सुनो, इधर सम है और इधर कौन सी है? तो अभी हमको सम फॉर्मूला लिखना है तो इसको पहले लिखना हो। अब इसी जितना लिखे ना सबको हम उल्टा कर करके लिख रहे हैं, सबको हम क्या कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी टू साइन ए कॉस बी। किसी को आपत्ति? वही फॉर्मूला है पीछे वाला ही, उल्टा करके लिख रहे हैं। अब बताओ, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी टू कॉस ए कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी। टू कॉस ए कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी टू साइन ए इंटू ये लिखा है टू साइन एस एन कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस। सब प्रूफ सही बता रहे हैं इसलिए इसमें कहीं कंफ्यूजन में नहीं लीजिएगा। ये फॉर्मूला अभी हम लोग सीखे हैं, अभी सीखा है ना हम लोग। एल हो गया, इसको एम कह देते हैं, एन कह देते हैं। आप सुनिए, तो फॉर्मूला तो यही है सम या डिफरेंस फॉर्मूला, लेकिन यहां पर बड़ा दिख रहा है ये वाला, तो इसको हम सी कह देते हैं तो नहीं ना रोइएगा, और इसको हम डी कह देते हैं। साइन सी प्लस साइन डी याद करने में सुविधा होगा, इसलिए इसका नाम सी डी फॉर्मूला है, साइन सी और साइन। चलो इसको सी और इसको डी कहे तो ये और बी क्या होगा? सुनो सॉल्व कर लेंगे, माने हैं ए प्लस बी को ए माइनस बी को, इसी को सॉल्व करो ना ये भी मिल जाएगा। एक बात जोड़ दो, बी और बी कट के टू ए बराबर ए बराबर, एक बार घटा लेंगे माइनस माइनस कट जाएगा, बी और बी मिलेगी तो बी बराबर ए और बी तो मिलिएगा सी डी ए पर। अब फ्रॉम एल, एल में क्या था? साइन ए प्लस बी प्लस साइन बराबर आप सुनिए बहादुर, साइन ए प्लस बी बने साइन ए माइनस बी बने बराबर ए के जगह पर कॉस बी के जगह पर ये फॉर्मूला बन गया, रट जाना है इसको। चलिए सुनिए, तो क्या सीखे आप? साइन सी कुछ नहीं है, पिछला फॉर्मूला ही है, ए प्लस बी के जगह पर सी, ए माइनस बी के जगह पर डी, और ए के जगह पर तो सी और डी के पद में एक फॉर्मूला बन गया, सम या डिफरेंस फॉर्मूला है। साइन सी प्लस कितना होगा?
याद रहेगा फॉर्मूला, आगे बढ़े। फ्रॉम एल था, यहां देखा जाए बालक फ्रॉम एम, एम में क्या था साइन ए प्लस बी कितना टू कॉस ए, इसलिए साइन ए प्लस बी माने सी डी टू कॉस ए के जगह पर इंटू साइन, ये अलग फॉर्मूला हो गया, ये अलग फॉर्मूला। ऐसे ही फ्रॉम एम और एम से दो और निकल जाएगा, तो आज चूंकि समय भी हो गया है तो रहने देते हैं, कल इसको फिर आगे बढ़ाएंगे। हो गया है यहाँ, चल यहाँ से लिखा जाए